प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6 चरणों के मतदान कल संपन्न हो जाएंगे और 7वां चरण 7 मार्च को होना है। 10 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा लगाया गया दाव कितना सफल होगा, ये बहुत बड़ा दिलचस्प होगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने इस बार के टिकट बांटने में सभी जाति धर्म मजहब का तो ध्यान रखा ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो यह है कि बहुजन समाज पार्टी नए प्रत्याशियों को टिकट देने के मामले में सभी राजनीतिक पार्टियों से आगे रही। बहुजन समाज पार्टी ने अकेले 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो एकमात्र उत्तर प्रदेश की पार्टी है। उनके बाद कांग्रेस है, जो 399 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आपको बता दें कि इस बार नए प्रत्याशियों को टिकट देने के मामले में आगे रही। बहुजन समाज पार्टी ने अकेले 351 नए प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, यानी 403 में से 351 बहुजन समाज पार्टी के नए प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। ये युवा दाव बहुजन समाज पार्टी को कितना सफल होगा, कितना किस तरीके से पड़ेगा, इसका नतीजा 10 तारीख को आएगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने इस बार नए लोगों को मैदान में